Listen to me now. व्हाट इज अप ब्यूटीफुल पीपल, कसा आहे मंडळी, कसा आहे पब्लिक, मजे में ना? सो मजे में रहने का, खाने का, पीने का, ऐश करने का, ये ना मैंने बोला है बहुत दिनों बाद, क्योंकि आज रेसिपी वीडियो होने वाला है बहुत दिनों बाद, व्लॉग भी होने वाला है बहुत दिनों बाद। ओके, तो आपने जो बनाने वाले KFC स्टाइल चिकन, सो मतलब मैंने सबको चैलेंज दिया है कि यार मैं KFC स्टाइल चिकन बनाऊँ, वो भी उसके साथ में वो जिंगर बर्गर आता है KFC का, वो भी साथ में बनाऊंगा, और साथ में ये KFC स्टाइल चिकन में थोड़ा अपना स्टाइल रहेगा, थोड़ा अपना किक रहेगा, क्योंकि हर चीज़ें तो अपन घर पर रख सकते नहीं जो उनको लगती है KFC स्टाइल चिकन के लिए। सो कुछ चीज़ें अपने घर वाले जो इंग्रेडिएंट रहेंगे वो यूज़ करूंगा और बनाऊंगा KFC स्टाइल चिकन। तो शुरू करते हैं, कुछ मस्ती नहीं करते हैं, शुरू करते हैं KFC स्टाइल चिकन, और खतरनाक होगा तो टेस्ट में एक नंबर खतरनाक होगा, तो क्योंकि मैं बना रहा मैं हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं KFC स्टाइल चिकन। यानी मेरे साथ चिकन बनाओ, तो सबसे पहले अपने बर्गर का काम नहीं, सबसे पहले चिकन तो करना है मैरिनेट, वो भी करने के लिए 45 से 1 आवर के लिए, ज़्यादा नहीं, तो आप हाँ जल्दी है, तो मैं 30 आवर्स बोल रहा हूँ, 30 मिनट्स के लिए कर रहा हूँ, तो ठीक है कोई गल नहीं। तो शुरू करते हैं मैरिनेशन। मैंने लिया है चिकन। चिकन लेने के बाद अपन डालते हैं इसमें सोया सॉस, थोड़ा सा डालो विनेगर, विनेगर मतलब कितना डालो, 1 टेबल स्पून बहुत है, और चिली फ्लेक्स, अदरक लहसुन का पेस्ट, सॉस अपना सॉस बोल रहा हूँ, टमाटो सॉस थोड़ा सा, चिली सॉस थोड़ा। ओके, बस मैरिनेशन में इतना रहेगा, और आखिरी मैरिनेशन में डालो बटर मिल्क, और बचा हुआ सब पी लो, नमक डाल देता हूँ थोड़ा सा। सो अब तुम क्या करने का है, अभी वो तो मैरिनेशन होते आया है, अभी 40 मिनट्स अगर हो गए ऑलमोस्ट, तो अभी करना है अपने को मैदा अगर मिक्स करना है, मतलब कॉर्न फ्लोर जिसमें वो डिप कर अपने को फ्राई करना है वो बनाना है। तो अपन ने लिए मैदा, और एक तुमको एक मतलब एक फ्रेंडली चीज़ बताता हूँ, कभी पैकेट को ऐसे मत काटो, ऐसे नहीं काटते हो ना तो तुमको जो छोटा सा पार्ट रहता है वो कभी रिसाइकल नहीं होता, तो कभी ऐसा काटो कोई भी प्लास्टिक, तो ये रिसाइकल हो सकता है, तो ये मैंने भी कहा देखा था वो याद आया। अच्छा, हमको सिखा दिया है। तो डाल रहा हूँ मैदा और कॉर्न फ्लावर, पेपर, ब्लैक पेपर, ओरिगैनो, ओके, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, ठीक है, मेरे का पूरा मैरिनेट हो गया है अच्छी तरह, तो इसको अभी करते हैं फ्राई, तेल गरम, अपना कोट करते उसको अच्छे से, हर जगह से कोटिंग हो गई, तो उसको ठंडे पानी में डालना एकदम अच्छे से, उससे क्या होता है ठंडे पानी डालने से, तो पूरा वो जो मैदा रहता है अंदर सोख लेता है चिकन, और अंदर से वापस से मुझे कोट कर खाते अच्छे से, इसको करते हैं फ्राई, तो कैसे पूरा ब्राउन हो रहा है अच्छे से, कितना प्यारा लग रहा है चिकन देख सकते हो, पूरा टेस्ट लग रहा है। तो अपने फ्राई चिकन तो तैयार है, अब बनाएंगे जिंगर बर्गर, तो सबसे पहले बर्गर लेते हैं और उसको काटते हैं बीच में से, तो अपने पास लेटेस्ट तो होगा नहीं, तो पत्ता गोभी को ऐसा एकदम ऐसा करते दोनों साइड से ऐसा पिला के डाल देते अपना क्रिस्पी चिकन। अपने को हॉट सॉस डालना था, तो मैं चिली सॉस और टमाटो सॉस मिला के मैंने सॉस डाल दिया, इसे जिंगर बर्गर में चीज़ तो गिरता नहीं है, पर अपन थोड़ा चीज़ डाल रहे हैं, अपन रखेंगे अपना बर्गर अंदर, और ये भी रखेंगे थोड़ा क्रश होने के लिए, और अपना बर्गर भी रखेंगे, साथ में ये बर्गर रख रहा हूँ, ये भी रख रहा हूँ बंद हल्का होने के लिए, तो मैंने इसे बस 5 मिनट रखूँगा, ज़्यादा नहीं,
चिकन तैयार है और बर्गर भी बहुत प्यारा लग रहा है। देखो बर्गर अंदर से देखो भाई क्या लग रहा है, क्या बहुत अटेम्प्टिंग लग रहा है। चीज़ पूरा मेल्ट हो गया है और अपन ने मेयोनीज लिया है और सॉस लिया है नॉर्मल। तो चिकन एकदम सही से क्रिस्प हुआ है और अंदर से एकदम नरम और बहुत बहुत सही लग रहा है भाई, बहुत सही जूसी बहुत। और चिकन तो बहुत जूसी लग रहा है एकदम, आई एम लविंग इट। मैकडॉनल्ड्स का है पर केएफसी को बोलो आई एम लविंग इट। देख के उसको खाने का मन नहीं कर रहा है पर मैं खाऊंगा, बहुत बड़ा है इसको बर्गर। देखो पूरा बर्गर का मैंने कचुंबर निकाल लिया और बर्गर का टेस्ट भाई एक नंबर, मतलब तुम घर पे जरूर ये ट्राई कर सकते हो और टेस्ट तो बहुत सही लग रहा है। मैं घर वालों ने भी खाया बहुत सारे, मतलब मैंने खा के रखा था तो गरम गरम, तो उनको भी बहुत प्यारा लगा है। सो डू ट्राई दिस रेसिपी। सो ट्राई तो करो और फटाफट क्रिस्पी चिकन जैसे जितना पसंद है वैसे आपको मेरे वीडियो पसंद आने चाहिए और फटाफट लाइक मार दो, शेयर मार दो और सब्सक्राइब भी मार दो चैनल को। और मिलते हैं नए एक और रेसिपी वीडियो में और मुझे कमेंट करो कि नेक्स्ट रेसिपी वीडियो क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तब तक बाय बाय, खुदा हाफिज़।